प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का सामान्य पेपर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास के अंतर्गत आज हमारी जो पांचवी इकाई पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत हमने बहुत से प्रकरणों के बारे में अध्ययन किया था। उसमें था सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के बारे में तर्क वितर्क करके अपने नवीन ज्ञान का विकास करना, यह हमने पढ़ा था। और सृजनात्मकता विशेषता के अंदर भी पढ़ा हमने, उसकी विशेषता तो मैंने 8 से 10 को कही है मैंने आपको। तो आज हम पढ़ेंगे कि सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता, यानी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे सृजनात्मक व्यक्ति होता कैसे। तो आज हम पढ़ेंगे सृजनात्मक व्यक्ति, क्या पढ़ेंगे? सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता। क्या विशेषता है सृजनात्मक व्यक्ति की? ये इम्पोर्टेंट है हमारा, और ये एग्जाम में आ चुका है कि सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता के बारे में अध्ययन कीजिए। तो सृजनात्मक व्यक्ति मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है उसमें इस प्रकार का गुण होता है कि वो अपने किसी भी घटना घटित के बारे में सोचता है। और हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर भी अनेक प्रकार का विकास होता है उन विचारों के, जिस विचारों के बारे में हम सोच रहे हैं। जब हम विचारों को सोचते हैं तो उस विचार के प्रति हमारा व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। उसके अंतर्गत हमारा पक्ष और विपक्ष, यानी तर्क और वितर्क, हानि और लाभ, हमें उसके बारे में करते विचार करते हैं। सकारात्मक है या वो नकारात्मक, उससे कोई लेना नहीं, कुछ हम उसके बारे में विचार करते हैं। तो विचार करने की जो प्रक्रिया है, जो हम नवीन ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो पूर्व ज्ञान, यानी पूर्व ज्ञान के बारे में सोचा हुआ ज्ञान जो होता है वो एक सृजनात्मक। और सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता होती है कि सृजनात्मक व्यक्ति को उसके गुणों, उसके कार्य, व्यवहार के आधार पर वह अपनी पहचान बनाता है कि उसकी पहचान किस आधार पर होनी चाहिए, कार्य के आधार पर होनी चाहिए, या उसके गुण के आधार पर होनी चाहिए, या उसके व्यवहार के आधार पर होनी चाहिए। तो इन तीनों के आधार पर वो व्यक्ति अपने आप क्या करता है, पहचान बनाता है। क्योंकि सृजनात्मक जो बालक होता है, व्यक्ति जो होता है, वो सभी प्रकार के बालकों से भिन्न होता है, मतलब अलग होता है, क्योंकि वह अनेक कार्य करता है। क्योंकि वो पूछता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करता है, सर आगे क्या होगा, मतलब जिज्ञासा बोलते हैं। तो हम इस सृजनात्मक व्यक्ति के अंदर जो पहला जो पॉइंट आएगा वह है सृजनात्मक व्यक्ति की, सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासु होता है। क्या होता है पहला जो पॉइंट है, वो क्या लिखा हमने कि सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासु होता है। कैसा होता है जिज्ञासु? सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासु होता है। सृजनात्मक व्यक्ति होता है वो हमेशा कैसा होता है, जिज्ञासु होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासु होता है। तो सृजनात्मक व्यक्ति मतलब क्या, किस प्रकार सृजनात्मक व्यक्ति पूर्णतः जिज्ञासु से संपन्न होता है माना जाता है। क्योंकि वो प्रत्येक विचार या प्रत्येक घटना या प्रत्येक तर्क वितर्क वाद विवाद के बारे में विभिन्न प्रकार के बारे में सोचता है, और उसकी सोचने के बाद में उन प्रश्नों से पूछता है, तथा जब उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है या ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो वो उस बात के प्रति, उस विचार के प्रति व्याकुल सा रहता है कि इस घटना के अंतर्गत बस सकारात्मक सोच रहा है या वो नकारात्मक होना है। उसको संपूर्ण रूप से विश्लेषण रूप से अध्ययन करने का प्रयास, मतलब विश्लेषण मतलब इनको किन किन आधारों में बांटा जाए, कैसे बांटा जाए, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो हम कभी कभी कहते हैं कि हम कभी साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस के अंदर भी एक अध्ययन होता है कि हम किसी की अवस्था पढ़ रहे हैं या बाल विकास की अवस्था पढ़ रहे हैं, तो हमने अवस्था तो लिखवा दी, सर आगे क्या होगा,
जिज्ञासु व्यक्ति होता है ना, सर्जनात्मक व्यक्ति होता है, बोलते सर आगे आगे वाला रास्ता बताओ, मतलब वो चाहता है कि मैं इसके बारे में भी जानने की कोशिश करूं। तो वो प्रत्येक घटना के बारे में सकारात्मक रूप से सोचने की सोचता है कि वो ज्ञान उस घटना के प्रति हर बात तक वर्णन करना चाहता है, वो भी जैसे विश्लेषण ही बहुत ही विस्तार से करना चाहता है। तो सर्जनात्मक व्यक्ति जो होता है वो हमेशा जिज्ञासु होता है। सेकंड नंबर है कि सर्जनात्मक व्यक्ति चुनौतियां पसंद करता है। सर्जनात्मक व्यक्ति चुनौतियां पसंद करता है। क्या होता है चुनौतियां पसंद करता है सर्जनात्मक व्यक्ति चुनौतियां पसंद करता है। क्या होता है चुनौतियां, मतलब चैलेंज करना। तो चैलेंज का मतलब होता है कि सर्जनात्मक व्यक्ति कभी भी चुनौतियों से डरता नहीं, कभी चैलेंज से नहीं डरता। वो इस बोलता कि मैं इसके बारे में करके दिखाऊंगा, आप जो मुझे कुछ भी कहो, कि मुझे कहा है कि एक घंटे के अंदर ये टॉपिक क्लियर करना, तो वो एक घंटे में कर क्या, वो आधे घंटे ने आधे मिनट के अंदर भी उसको उस चीज को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि सर्जनात्मक व्यक्ति होता है, जिज्ञासु व्यक्ति होता है, वो हमेशा चुनौतियों ने चैलेंज को पसंद करता है। वो प्रत्येक चुनौती का साहस, चुनौतियों का साहस से सम्मान, साहस से सामना करना सीखता है, कि उसका उन कठिन परिस्थितियों से, उस चुनौतियों से सामना करने के लिए वो साहस से करता है कि मुझे इसके प्रति कार्य कैसे करना चाहिए। तो वो उस परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है कि मैं इस स्थिति के अनुसार, इस विषय वर्णन के अनुसार, इस प्रकरण के अनुसार मैं अपने आप को कैसे बनाऊं कि मैं इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करूं। तो हमारे जीवन के अंतर्गत जो हम प्राप्त करते हैं, तो उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो हमारा ज्ञान जो होता है वो हमें चुनौती करते हैं कि ये व्यक्ति कर नहीं सकता। हम कभी कभी कहते हैं ये व्यक्ति कर नहीं सकता, जो व्यक्ति कर नहीं सकता वो बोलता है सर चैलेंज मत कीजिए मैं कर सकता हूं। तो वो प्रत्येक समस्या का समाधान इस प्रकार से करता है, अपने कार्य के अनुसार, अपने जिज्ञासा के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, अपने विकास के अनुसार, उस इन सभी योग्यताओं के अनुसार वो हर व्यक्ति उस चुनौतियों का आधार बांधकर उसका आत्मविश्वास बनाए रखता है और मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, इस प्रकार की उच्च चुनौतियों का वो सामना करता है। थर्ड आता है सर्जनात्मक व्यक्ति प्रयोगों से कभी भयभीत नहीं होते, मतलब सर्जनात्मक व्यक्ति है वो किसी बात से भयभीत नहीं होते हैं। थर्ड नंबर कौन सा है, वह है कि सर्जनात्मक व्यक्ति किसी भी बात से भयभीत नहीं होते। सर्जनात्मक व्यक्ति किसी भी बात से भयभीत नहीं होते, भयभीत मतलब डरते नहीं। सर्जनात्मक व्यक्ति जो होता है वो किसी भी बात से डरता नहीं, वो उस बात का साहस से पूर्ण होते उसकी बात का समाधान निकालता है, हर समस्या का समाधान निकालता है। तो सर्जनात्मक व्यक्ति किसी भी सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के वो उस बातों का प्रयोग करता है कि इसमें इसका लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसका शीर्षक क्या होगा, मतलब इस बात का निचोड़ क्या होगा। तो ये वो उसका प्रयोग करके अतिरिक्त समाज में रहकर भी वो हर बात को समझता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बारे में जानता है, उस परिस्थितियों की बात को समझते हुए उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो उस बातों के प्रति सकारात्मक थिंकिंग या सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोचों का प्रयोग करते हुए वो कभी भयभीत नहीं होता है, कि वो निरंतर सोचता रहता है, उस कार्य को करता रहता है। कहते हैं कि आप कार्य करते रहो, हमारे श्री भागवत गीता में लिखा हुआ है कि कार्य करते रहो
फल की इच्छा न करो। आपका कार्य अगर अच्छा होगा तो फल भी आपको जरूर अच्छा मिलेगा। उसी प्रकार सृजनात्मक व्यक्ति जो है हर कार्य को अपने ज्ञान क्षमता योग्यता के अनुसार निरंतर करता रहता है, उसको हमेशा उस कार्य के प्रति कभी भयभीत नहीं होता है कि उसका कार्य हमेशा अच्छा होता है। तो उस जब तक वो किसी कार्य तक किसी बात तक नहीं पहुंच पाता है जब तक वो कार्य करता ही रहता है, उसको उस बात का निचोड़ मालूम करना चाहिए। इस हम जो कार्य कर रहे हैं इसका निचोड़ क्या, जैसे हम भी एक कार्य करते हैं, एक व्यक्ति होता है मजदूर होता है, मजदूर पूरे दिन काम करता है, उसको मालूम है मैं पूरे दिन काम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वो इस प्रकार से कार्य करता है कि वो कहीं रुकता भी नहीं है और धीरे 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 कार्य को करता है, और उसके जब शाम जब काम खत्म हो जाता है तो उसकी जो कार्य के लिए जो आमदनी है वो उसको प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार सृजनात्मक व्यक्ति किसी भी बात से किसी भी प्रयोग से कभी डरता नहीं है, वो अपने कार्य को हमेशा करता हुआ रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज हमने पढ़ा है सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता पढ़ी है, ये विशेषता बहुत बड़ी है। मैं इनको तीन भागों में दो भागों बांटते हुए वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।